उपस्थित हुई हूँ। राष्ट्रपिता गांधी जी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। उनके पिताजी का नाम करमचंद गांधी था तथा वह राजकोट में दरबान थे और उनकी माता जी का नाम पुतलीबाई था और वह एक धार्मिक विचार वाली औरत थी। गांधी जी एक वकील थे, वकालत में कार्य करते थे। उनके दो ही अस्त्र थे, सत्य और अहिंसा। सदा सत्य और अहिंसा की राह पर चले और हमारे देश को आज़ाद करा दिया। उनका जन्मदिवस 2 अक्टूबर को पूरे देश में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है और इस साल उनकी 150वीं जयंती है और इस साल की यह जयंती बहुत यादगार होने वाली है क्योंकि भारतीय रेलवे इस जयंती के उपलक्ष्य में भारत को एक इतनी बड़ी उपलब्धि दे रही है जो शायद ही अब तक किसी ने दी हो। वह उपलब्धि यह है कि भारतीय रेलवे 4 अक्टूबर यानी कि 2 अक्टूबर के उपलक्ष्य में 4 अक्टूबर को लखनऊ से लेकर दिल्ली तक भारत की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन का आयोजन कर रहे हैं। उसका नाम है तेजस एक्सप्रेस जी। वह पूरे देश में अब तक नहीं चली है। वह पहले दिन 2 अक्टूबर को चलेगी और उसे हरी झंडी दिखाने का मौका श्री आदित्यनाथ योगी जी को मिलेगा। यह कोई छोटी बात नहीं है हमारे भारतीय रेलवे के लिए। अब देखते हैं कि गांधी जी के क्या सपने थे। गांधी जी के सपने थे कि भारत में कभी भ्रष्टाचार ना हो और शायद यह अभी ये मिट्टी में मिल चुका है पूरी तरीके से। सिर्फ क्यों? क्योंकि हम लोग बहुत भ्रष्टाचार करते हैं। भारत का 94वां नंबर है पूरे देश में भ्रष्टाचारी होने का, जो कि कोई बहुत छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। और हमें अगर हम चाहें तो हम इसे कतरा कतरा मिला के एक घड़ा भरता है, तो शायद अगर हम धीरे धीरे इस भ्रष्टाचार को कम करें तो हम गांधी जी का ये सपना पूरा कर दें। दूसरा सपना था उनका स्वच्छ भारत का जी। हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने इसके लिए बहुत कार्य किया और एक बहुत बड़ा अभियान, एक बहुत बड़ा मिशन जिसका नाम है स्वच्छ भारत अभियान ही चला रखा है। और उन्होंने स्वयं आकर रोडों पर झाड़ू लगाई है और ये कोई छोटी बात नहीं है एक प्रधानमंत्री के लिए। और अंत में बस यही कहना चाहूँगी कि जो गांधी जी थे उनकी जो मृत्यु हुई थी वो 30 जनवरी को हुई थी। एक दिन ऐसा ज़रूर आता है जब एक व्यक्ति हमें हमारे बीच से चला जाता है। ये दुखद घटना हुई थी, उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। पूरे देश की आँखों में उनके लिए आंसू था, सब दुखी थे। और उनके दो जो अस्त्र थे, सत्य और अहिंसा, और एक वो चाहते थे कि अछूत, जो हम लोग मानते हैं कि ऊंची जाति नीची जाति ये ख़त्म हो जाए, तो अब वे हमारे बीच में नहीं है। तो शायद अगर हम थोड़ी कोशिश करें तो उनके इन 3-4 सपनों को हम पूरा करें और उनकी आत्मा को शांति दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।